सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रेंड, ये जो ब्लॉग रहने वाला, मैं पूरी कलकत्ता का टूर करने वाला हूँ और कलकत्ते के ऊपर ही ये पूरी ब्लॉग रहने वाली है। तो फ्रेंड, अभी हम आए हुए हैं इको पार्क। अभी 2 नंबर हम गेट के पास खड़े हुए हैं और मुझे पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो है टिकट 12 बजे से शुरू होता है, 12:30 बजे से। तो अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जब टिकट काउंटर खुलेगा तो हम इसके अंदर चलेंगे और इसके अंदर जो भी अच्छी अच्छी रहने वाली है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अनेकों तरह के फूल लगाए गए हैं और इसका विशेषता यही है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और साथ ही आप यहाँ पर सौर ऊर्जा से एनर्जी बनाई जा रही है, जिससे इको टूरिज्म को जो है बेहतरीन हेल्प मिलेगा और अच्छी तरह से जो है इससे प्रदूषण रहित बिजली पत बनती है। तो आपको पता ही होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब। चलिए, इसमें बेहतरीन बेहतरीन कुछ आकृतियाँ बनाया गया है, तो वहाँ पर भी चलेंगे और देखेंगे कि कैसा लगता है देखने में फ्रेंड। और फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफ़ी बेहतरीन नक्काशी की गई है इसमें, और हमारे भारतीय संस्कृति को यहाँ दर्शाया गया है। इसके अंदर क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी ये क्लोज है, तो खुलेगा तो मैं जल्द दिख पाऊँगा। आप देख सकते हैं मैं अभी आ चुका हूँ इको पार्क में, जो एक तालाब का निर्माण किया गया है। इसमें बहुत सारी मछलियाँ भी पाई जाती हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ, कुछ मछलियाँ भी यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं ये मछलियाँ हैं, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। पार्क में आ चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग लोगों का जो है चेहरे को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी उग्र रूप में दिखाया गया है, तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छी जगह है, अगर जो आपको मौका मिले तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्राइस भी, टिकट भी नहीं है, और घूमने के लिए बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड। तो चलिए, हम यहाँ से निकलते हैं बिना समय गवाए हुए और अगले लोकेशन की ओर। फ्रेंड, अभी हम लोग टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर आ चुके हैं और यहाँ पर हेड का जो है 30 रुपया लग रहा है, और 7 वंडर्स की ओर हम एंट्री करेंगे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। एंड हम आ चुके हैं 7 वंडर्स के अंदर और ये पिरामिड देख रहे हैं, मिस्र का यहाँ पर दर्शाया गया है। प्लीज डू नोट टच, इसमें टच नहीं करना है, ऐसा कुछ लिखा गया है इस पर। और देख सकते हैं ये तीन पिरामिड हैं, ये 3 पिरामिड है। यहाँ पर लाइट लगाई गई है, शायद ये रात में काफ़ी अच्छा, नाइट के समय अच्छा दिखता होगा। पेट्रा जॉनर्स के अंदर की तस्वीरें जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और हूबहू उसी के जो है एक इसी की तरह नक्काशी भी यहाँ पर की गई है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर के लग रहा है कि शायद मैं उसी के अंदर मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर बेहतरीन नक्काशी की गई है, यहाँ पर प्राचीन समय के कुछ चित्र भी आवित्रित किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक यहाँ प्यारा सा एक झरना जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। 2 खंभे यहाँ पर लगाए गए हैं और 4 खंभे ये हैं गोल गोल, और इसमें नक्काशी की गई है, हर दीवार में कुछ ना कुछ नक्काशी की गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब। और ये सब कुछ मूर्तियाँ इस पर जो हैं दिखाई गई है। तो फ्रेंड, मैंने आपको दिखा दिया पेट्रा जॉनर्स। फ्रेंड, ये रहा मोएल और इसकी जो है कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये भी 7 अजूबों में से एक है, और इसको किसने बनाया, ये जो है ये इंग्लैंड में पड़ता है, तो इसको किसने बनाया अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि जहाँ ये पाया गया है फ्रेंड वहाँ पर मनुष्य की आबादी नहीं है। फिर इसको बनाया किसने, इस तरह के डिस्कर्स इस पर जारी हैं, और इसीलिए इसे जो है
सात अजूबों में, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी जगह है फ्रेंड। अगर जो आप एक जगह पर कुछ बेहतरीन कलाकृतियां आप देखना चाहते हैं तो आपके लिए इको पार्क काफ़ी अच्छी जगह है। ये देख सकते हैं जीसस का कुछ कलाकृतियां दिखाई गई है, और ये रहा जीसस की मूर्तियां, तो ये भी जो है सात अजूबों में से एक में रखा गया है। तो चलते हैं फिर, ब्राज़ील के हैं तो चलते हैं फिर अब की बार जो है ताजमहल का दीदार करने के लिए। हम आ चुके हैं ताजमहल के निकट, और ये भी सात अजूबों में से एक में रखा गया है। हमारे बैक साइड में आप देख सकते हैं सात अजूबों में से एक ताजमहल भी यहाँ पर जो है बनाया गया है, इको पार्क के अंदर ही है, तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर एक अगले लोकेशन पर, क्योंकि मैंने आपको ताजमहल भी दिखा दिया। महल के निकट ही आपको जो है कोलोजियम भी दिखाई देगा, ये भी आपका एक सात अजूबों में से एक में रखा गया है। और ये ग्रीस का प्रतीक होता है, क्योंकि सैनिक का वेशभूषा से ये आप पता कर सकते हैं। और अगर जो आप विशेष जानकारी आप लेना चाहेंगे तो इस पर सारा डिटेल दिया हुआ है, आप उसे रोक करके वीडियो आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो चलते हैं इसके अंदर घूमते हैं फिर। और ये रहा इसके अंदर का कुछ बेहतरीन चित्र, और यहाँ पर पांच लोगों को बेहतरीन रूप से बैठाया गया है, दिखाया गया है बैठे हुए। और यहाँ पर दो लायन का भी चित्र बनाया गया है, तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं फिर अगले लोकेशन पर, और आपको मैं दिखाता हूँ, आपको मैं सातों अजूबा आज दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। अगला अजूबा जो है चाइना का दीवाल है, जो कि 220 ईसा से लेकर 206 बीसी के बीच ये बनाई गई थी। सी होंग के माध्यम से ये दीवाल बनाई गई थी, जो कि एक बेहतरीन नमूना है, और इसमें काफ़ी समय लगा होगा बनाने में। और इसमें 21,196 किलोमीटर ये जो है चाइना का दीवार जो है लंबी थी। तो चलिए हम इस दीवार को जो है करीब से फिल्माते हैं, इसकी तस्वीरें चाइना की दीवार का। और इसी का तरह जो है आप रियल में भी देखेंगे तो इसी तरह दिखाई देगा आपको। ये रहा लास्ट जो है सातवां अजूबा में से जो ये था लास्ट था, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। बट चलिए अभी हम पार्क की ओर चलेंगे। सातों अजूबा जो है मैं यहाँ से क्लियर कर लिया हूँ, और ये जो बेहतरीन ढंग से यहाँ पर नक्काशी की गई है इसके ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये रहा इसका कुछ नीचे का तस्वीर, और कहीं ना कहीं ये तस्वीर के अंदर जो है ये सातों अजूबा जो है इस पार्क का वो दिख रहा होगा, छोटी छोटी तस्वीरों के बीच। तो चलते हैं फिर एक अगले लोकेशन पर, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इतना कह सकते हैं कि अगर जो आप यहाँ पर 60 रुपये खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा आप इंजॉय यहाँ पर ज़रूर करेंगे फ्रेंड, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो 60 रुपया है वो जायज़ गलत जगह नहीं गया है, सही जगह गया है। चलिए तो फिर अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का आपको और भी हम वीडियो ब्लॉगिंग वीडियो लाते रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका चला जाएगा फ्रेंड। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद।